हाय एवरीवन, वेलकम टू हेल्दी इंडियन किचन। हेल्दी इंडियन किचन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों के साथ पहले भी एक मोजिटो की रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ, जो मैंने ऑरेंज और ग्रेप से बनाया था। आज मैं फिर से एक जूस की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। आपको सुनने में थोड़ा सा नॉर्मल लगेगा कि मैं ऑरेंज जूस की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, लेकिन ये थोड़े से डिफरेंट तरह के ऑरेंजेस मेरे पास आए हैं, उसी तरह की रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ये प्रॉब्लम कभी भी किसी को भी फेस करनी पड़ सकती है, तो मुझे ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी और उसका सोल्यूशन मैंने निकाला, तो बस उसी को आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। तो आज मैं बनाने वाली हूँ ऑरेंज जूस। उसके लिए मैंने, ये देखिए, 4 से 5 संतरों को इस तरह से छील लिया है। इसके जो बड़े बड़े धागे होते हैं, सिर्फ उनको निकाला है और इसको बीज से खोल के इसका बीज बाहर नहीं किया है। एक तो मैं आप लोगों को बता दूं कि आज जो मैं जूस बनाऊंगी उसके लिए हमें बीज निकालने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही आसान सी और बहुत ही अच्छी ट्रिक मैं आप लोगों को बताऊंगी, जिससे आपका बीज भी नहीं पिसेगा और मिक्सी में आप इसका जूस बहुत आराम से निकाल सकेंगे, और वो भी बिना किसी वेस्टेज के। तो बहुत ही अच्छे से तैयार करेंगे इसको। नेक्स्ट मैं आपको बता दूं, आज एक बहुत ही अच्छी चीज़ मैं आप लोगों के साथ इंट्रोड्यूस करने वाली हूं, वो है मिश्री। मिश्री ये आप देख सकते हैं, धागे वाली मिश्री है। आप देख सकते हैं इसको, धागा जुड़ा हुआ है इसमें। ये मार्केट में इसी तरह से मिलती है, धागे में जुड़ी हुई होती है। ये प्योर मिश्री होती है। एक्चुअली आप लोगों ने देखा होगा कि पहले भी मैं अपनी वीडियोस में मिश्री को आपको लोगों के साथ इंट्रोड्यूस कर चुकी हूँ, लेकिन वो जो छोटी वाली मिश्री होती है उसको काफ़ी लोगों ने मुझे बताया और मैंने भी थोड़ा पढ़ा तो मुझे पता चला कि वो उसमें काफ़ी शुगर ऐड होता है, यानी कि चीनी ऐड की जाती है, उसके बाद उसको बनाया जाता है, तो वो उतनी प्योर नहीं होती है। तो इसके लिए मैंने सोचा क्यों ना बिल्कुल प्योर चीज़ कहीं से लेके आई जाए। तो ये मैं एक धागे वाली मिश्री लेके आई हूँ, बहुत अच्छी होती है, सबसे ज़्यादा हेल्दी स्वीट्स मानी जाती है ये वाली मिश्री। अगर आपको नहीं मिलती है ये वाली तो आप वो छोटी वाली भी ले सकते हैं, वो चीनी से बेटर होती है, लेकिन सबसे बेटर ये होती है। तो आज के बाद मेरी सारी वीडियोस में जो भी मैं मीठा बनाऊंगी तो आप यही वाली मिश्री का यूज़ देखेंगे। इसके लिए इसको हम इस फॉर्म में यूज़ नहीं कर सकते हैं, ये बहुत हार्ड होती है, तो उसके लिए मैंने इसको ईमान जिस्ते में इस तरह से बारीक कूट लिया है। इतना कूटना है आपको ईमान जिस्ते में इसको किसी बड़े, उसके बाद ही मिक्सी में आप इसको पीसेंगे, नहीं तो ये आपके पूरे के पूरे मिक्सी के जार को ख़राब कर देगी, क्योंकि बहुत हार्ड होती है। तो उसके बाद मैंने इसको पीसने के बाद कपड़े से छानकर इस तरह का बना लिया है। ये इसको आप स्टोर करके रख सकते हैं डब्बे में भर के, मॉइस्चर से दूर रखिएगा, लेकिन बहुत लंबे टाइम तक आपकी चल जाती है। तो ये तो होगी हमारी मिश्री की बात, मैं आज इसी मिश्री को यूज़ करने वाली हूँ इसमें। एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, बहुत ही अच्छी बात मैं आप लोगों के साथ बताने वाली हूँ। हम लोग क्या करते हैं, ज़्यादातर अपना ऑरेंज तो खा लेते हैं लेकिन उसको डस्टबिन में फेंक देते हैं, इसके छिलके को। छिलका इसका बहुत यूज़फुल होता है, अगर आप लोग कहेंगे तो इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो आप लोगों के लिए बना के दूंगी। बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं इसके स्किन के लिए भी और आपकी वेट लॉस करने में भी, हर तरह से। लेकिन मेरे साथ क्या हुआ कि मैं मार्केट से संतरे खरीद के लेके आई, लेकिन ये संतरे जो है कसैले निकले, सारे के सारे संतरे ये बिल्कुल कसैले हैं, ये फ्रेश वाले संतरे नहीं हैं बिल्कुल भी। एक निकला था इनके अंदर फ्रेश वाला, वो मैं आपको दिखा देती हूँ। फ्रेश वाले की पहचान ये होती है कि उसका जो छिलका होता है वो एकदम इस तरह का दिखता है, और जो कसैला वाला छिलका आपका होता है वो इस तरह का काला पड़ गया होता है, आप देख सकते हैं इसको। तो मेरे सारे संतरे ऐसे निकले, और कई बार सबके साथ भी ये प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि फिर वो खाए तो जाते नहीं लेकिन इनका क्या करें। आज मैं 2 इंटरेस्टिंग तरीके आप लोगों को बताऊंगी, जिससे आप इसको बहुत अच्छी तरीके से अपने घर में यूज़ भी कर पाएंगे, आपके संतरे और आपके पैसे दोनों वेस्ट नहीं होंगे। तो फटाफट से शुरू कर लेते हैं। ये देखिए, इस तरह का ट्रांसपेरेंट जाल लिया है ताकि मैं आप लोगों को दिखा सकूं कि बीज किस तरह से नहीं पीसेंगे इसके अंदर। तो इसमें हम अपने सारे संतरों को डाल देंगे। ये देखिए, सारे संतरों को मैंने इसके अंदर डाल दिया है। अभी हमें इसके अंदर कुछ भी नहीं ऐड करना है। अगर आपके संतरे मीठे हैं और आप उसका जूस निकालकर फ्रेश पीना चाहते हैं तो आप इसी तरह से यूज कीजिए, कुछ भी उसमें ऐड करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये कसैले वाले हैं तो इसका टेस्ट इंप्रूव करने के लिए हमें 2-3 चीजें इसमें ऐड करनी होंगी। तो सबसे पहले तो मैं इसमें ठंडा पानी यूज कर रही हूँ, क्योंकि बिना पानी के आप इनको नहीं पीस सकते हैं। तो थोड़ा सा पानी, आधा ग्लास पानी मैं ठंडा इसमें डालूंगी। 4-5 संतरे हैं ये मेरे, इससे आप 3 गिलास से 4 गिलास तक बना सकते हैं। और अगर आपके घर में अचानक से मेहमान आ जाए तो इसको थोड़ा सा पतला करके, और या फिर मीठा या नमका जैसा आपको पसंद है उस तरह से इसका क्वांटिटी आप बढ़ा सकते हैं। टेस्ट बिल्कुल भी खराब नहीं होगा इससे। जार को बंद कर देंगे और इसको पीसेंगे। ये देखिए, मिक्सी को स्टार्ट करना है, पहला राउंड देंगे बहुत हल्का सा, उसके बाद बंद कर देंगे ताकि बीज ना पीसें। तुरंत बंद कर देना आपको, इसके बीज हमें बिल्कुल नहीं पीसने हैं। तो पहला राउंड दे दिया, सेकंड देंगे, फिर बंद कर देंगे इसको।
इस तरह से आपको पीसना है। ये देखिए हमारा सिर्फ गूदा यानी कि पल्प पीस रहा है, बीज हमारे बिल्कुल ठीक है। तो इसी तरह से अगर आप पीसेंगे तो बीज आपके बिल्कुल सुरक्षित रहेंगे और आपको अलग से छांटने भी नहीं पड़ेंगे। ये देखिए मैंने इसको पीस लिया है, आप देख सकते हैं। ये देखिए बीज आपको बिल्कुल साफ दिखाई दे रहे होंगे, एक भी बीज इसके अंदर हमने बिल्कुल नहीं पीसा है। मैं आपको चम्मच से दिखा देती हूँ। ये देखिए सारे बीज इसके अंदर बिल्कुल सुरक्षित है, आप देख सकते हैं इसको। ये देखिए बिल्कुल पल्प भी हमारा बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो गया है पानी के साथ। इतना पतला आपको बनाना है, आप जार के अंदर ही उस पानी को डालिए, बाकी बाद में ऐड मत कीजिएगा इसके अंदर पानी। अब हम इसको स्ट्रेन कर लेंगे इसके अंदर, इस तरह से चम्मच की मदद से एक बर्तन में इसको स्ट्रेन कर लेंगे। ये देखिए मैंने पूरा इसको दबा के अच्छे से चम्मच से दबाते हुए आपको पूरा स्ट्रेन करना है। पूरा जूस नीचे निकल गया है और आप देख सकते हैं सारे के सारे बीज बिल्कुल ऐसे ही इसके अंदर है गूदे के, आप देख सकते हैं इनको, एक भी बीज इसके अंदर पिसा नहीं है। तो ये तो होगी हमारी ट्रिक इसको निकालने की। इसको आपने फेंकना नहीं है, आप चाहें तो दोबारा इसका मोजिटो बना सकते हैं। बीज इसमें से छांटने पड़ेंगे हमें, तो इसको एक साइड कर देंगे। ये देखिए जूस हमारा बिल्कुल तैयार है, अब हम इसको ग्लासेस में डालेंगे और उसके बाद ही इसके अंदर सारी चीजें ऐड करेंगे। ये देखिए मैंने दो ग्लास ले लिए हैं, इनमें हम दो तरह से बनाएंगे। सबसे पहले हम इसमें ग्लासेस में आइस क्यूब्स डाल देंगे, जितना ठंडा आपको पसंद है उतना आइस क्यूब्स आप डाल सकते हैं। मैं दो दो डाल रही हूँ क्योंकि कोई भी चीज़ हमें ज़्यादा ठंडी नहीं पीनी चाहिए, बस थोड़ी ठंडी हो वो काफ़ी होती है हमारी हेल्थ के लिए। अब हम इसमें जूस डाल देंगे, मैंने इसके अंदर बहुत ही कम पानी यूज़ किया था, आधा गिलास पानी ही डाला था, तो इसीलिए दो गिलास बना है। अगर आपके घर में ज़्यादा मेहमान आ जाए तो आप इसमें थोड़ा सा पानी मिला सकते हैं, इससे टेस्ट में किसी तरह का कोई अंतर नहीं आता है। अब एक गिलास में हम क्या करेंगे, अपने टेस्ट के हिसाब से हम मिश्री ऐड करेंगे। एक चम्मच या डेढ़ चम्मच जितना मीठा आपको पसंद है आप उसमें मिश्री ऐड कर देंगे और इस तरह से इसको मिक्स कर देंगे। पिसी हुई छनी हुई है तो बहुत आराम से बहुत आसानी से मिक्स हो जाएगी। ये हमारा मीठा वाला तैयार हो गया है। दूसरे गिलास में डाल रही हूँ मैं एक छोटी चम्मच काला नमक। ये तवे पर मैंने थोड़े से जीरे को, अजवाइन को और हींग को भून कर पीस लिया था, उसको इसके अंदर डाल देंगे। इसको भी इससे अच्छे से स्पून की मदद से मिक्स कर देंगे। आप चाहें तो इसमें पुदीने के पत्ते भी डाल सकते हैं, बहुत इंप्रूव हो जाता है उससे भी टेस्ट। ये देखिए दो तरह से मैंने आपको ऑरेंज जूस बनाना बताया है, ये हमने बनाया है सॉल्ट से और ये बनाया है हमने मीठे से। तो जिस तरह का भी आपको पसंद है उस तरह का बना करके आप पीजिए। और आज के बाद जब भी आपके घर में कसेले वाले ऑरेंज आ जाएंगे तो आप उन्हें यूं ही फेंकेंगे नहीं, उनका बहुत ही टेस्टी सा और यम्मी सा जूस बनाकर पियेंगे। तो अगर आपको इस तरह की कोई भी रेसिपीज हमारी पसंद आती है, वीडियो हमारी पसंद आती है, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे हेल्दी, स्टे फिट, स्टे हैप्पी।